Welcome back guys. So guys, today we will discuss income tax calculation for assessment year 1920. Tax कैसे calculate करना है, interest 234A, B, C का कैसे calculate करना है, बहुत easy way से हो जाएगा guys. Department का tool use करेंगे, फिर cross verify करेंगे कि क्या वो tool सही compute कर रहा है guys. प्रूव करवाऊंगा B और C का interest सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगी गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. बट एज यूजुअल गाइस, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाऊंगा आपको. तीन सेक्शन होते हैं इंटरेस्ट के, 234A, B एंड C. 234A कब लगता है? जब आप लेट फाइल करते हो इनकम टैक्स रिटर्न को. इंटरेस्ट का रेट क्या है? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ. ओके, अब इसका मीनिंग क्या है पार्ट ऑफ मंथ का? सपोज करो 30 दिन की डिले की है, मतलब एक महीना, मतलब 1% इंटरेस्ट. सपोज करो 45 दिन की डिले की है, मतलब 15 दिन को पार्ट ऑफ मंथ मानेंगे, पूरे 1% इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 2%. ओके, अब हमें देखना है बी और सी क्या है. बी और सी बेसिकली एडवांस टैक्स के लिए. जब आपके ऊपर एडवांस टैक्स लायबल होते हो, अगर आप जमा नहीं करवाओगे तो आपको बी और सी का इंटरेस्ट देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है, आपको कैलकुलेट करना होता है. अगर सपोज करो फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करता हूं, तो आपको टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा अभी. फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आपको इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी, उस पर टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, एस्टीमेट करना पड़ेगा. सपोज करो वो आया आपका 65,000, आपको लगता है कि आपको टीडीएस मिलेगा 35,000, नेट आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? 30,000. अब ये जो नेट अमाउंट आया गाइस, अगर ये अमाउंट 10,000 या उससे ज्यादा आता है, तो आपकी एडवांस टैक्स की जमा करवाने की लाइबिलिटी होती है. मतलब when your tax liability after reducing TDS for the financial year is ₹10,000 or more. ओके, ये तो होगी आपकी कंडीशन एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होने की. अब देखते हैं 234B. अब 234B कब एप्लीकेबल होता है? जब आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल था और आपने पे नहीं किया, या आपने पे तो किया है बट आपने 31 मार्च तक टोटल टैक्स जो आपने जमा करवाना था एडवांस टैक्स का, उसका सिर्फ लेस देन 90% करवाया जमा. इसको एग्जांपल से देखते हैं गाइस, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं. फॉर एग्जांपल, आपकी टैक्स लायबिलिटी आफ्टर एडजस्टिंग टीडीएस कितनी है? 20,000 आई. ये अमाउंट 10,000 है, उससे ज्यादा है, एडवांस टैक्स जमा करवाना है. यस, केस वन, आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया तो क्या 234B लगेगा? हाँ लगेगा. ओके, केस टू, आपने एडवांस टैक्स तो जमा करवाया बट कितना करवाया? 17,000. अब ये 17,000 20,000 का कितना परसेंटेज है? 85%. मतलब आपने लेस देन 90% करवाया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 234B में. ओके, सी, आपने एडवांस टैक्स जमा करवाया 19,000, तो ये कितना परसेंटेज है गाइस? 90% से ज्यादा करवाया आपने 20,000 का, तो मतलब आपको 234B नहीं एप्लीकेबल होगा. ओके, अगर एप्लीकेबल होता है तो आपको इंटरेस्ट कितना परसेंट देना पड़ता है? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ फ्रॉम 1st अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर. ये बताता हूं आपको, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का असेसमेंट ईयर कौन सा है? 1920. तो मतलब अगर आपको 234B का इंटरेस्ट निकालना है तो आपको कहां से निकालना पड़ेगा? अप्रैल 19 से. कब तक? जब तक आप एडवांस चेक जमा करवा रहे हो तब तक. ठीक है, आपको पता लगा. 234C कब एप्लीकेबल होता है? 234C बोलता है कि अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स जमा लायबिलिटी आती है जमा करवाने की, तो आपको उसको इस वे में जमा करवाना है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी टिल 15 जून तक आपको जमा करवाना होगा, अप टू 15%. टिल 15 सितंबर आपको जमा करवाना होगा अप टू 45%. ऐसे 15 दिसंबर तक अप टू 75%. टिल 15 मार्च तक आपको सारा का सारा 100% जमा करवा देना एडवांस टैक्स. अगर नहीं करवाओगे गाइस, अब इंटरेस्ट का रूल फिक्स किया हुआ 234C के लिए, अगर आपने टिल 15 जून को आपने 15% जमा नहीं करवाया एडवांस टैक्स, आपने करवाया 10%, तो बाकी जो 5% बचा उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा 1% × 3. ऐसे 15 सितंबर के लिए 45% जमा नहीं करवाया, करवाया 30%, तो 15% के लिए क्या होगा? 1% × 3 मंथ. ओके, ऐसे 15 दिसंबर वाले के लिए भी 1% × 3 मंथ्स. बट 15 मार्च के लिए गई जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसके लिए आपको इंटरेस्ट लेगा 1% फॉर 1 मंथ. ओके भाई, बिल्कुल डरना नहीं, इसको बिल्कुल
टूल से निकालूंगा कितना बनता है डिपार्टमेंट के, उसको वेरीफाई करवाऊंगा कि वो ठीक है या नहीं के। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं गवर्नमेंट के टूल पर। गूगल पे लिखो इनकम टैक्स कैलकुलेटर, लिख दिया, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करो, कर दिया। यहां पर सिलेक्ट करो गाइस डिपार्टमेंट का, ये असेसमेंट ईयर 1920, टैक्स पेयर सिलेक्ट करो, इंडिविजुअल सपोज करो, मेल सिलेक्ट कर लिया, कुछ भी कर सकते हो, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर लिया, रेजिडेंट, ओके। यहां पर आपको इनकम लिखनी है फ्रॉम सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 1819 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है गाइस 40,000, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए 50,000 है। तो सपोज करो पहले हमने लिखा 360,000, लिख लिया। अब कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है आप वो भी लिख सकते हो, शो डिटेल पे क्लिक करो, हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट है आप यहां लिख सकते हो, एनुअल वैल्यू जो लेट आउट की है उसकी इनकम यहां लिख सकते हो, म्युनिसिपल टैक्सेस यहां लिखो माइनस हो जाएंगे, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की 30% कंप्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इनकम आ जाएगी आपकी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की, लिख देना कुछ होगी तो आपकी, ओके। कैपिटल गेन वो भी लिख सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A या अदर देन 11A, ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% वाला या 10% वाला, लिख कर सेव कर देना गाइस, वो भी लिख सकते हो। हम लिखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सपोज करो इंटरेस्ट की इनकम है 1.5 लाख, लिख दी, कमीशन वगैरह लॉटरी वगैरह वो भी लिख सकते हो, हाइट करी डिटेल, लिख दिया गाइस। पीजीबी की इनकम है आप लिख देना गाइस। अब बात आती है डिडक्शंस की, शो डिटेल पर क्लिक करो, सपोज करो आपका एलआईसी है 1.5 लाख, कोई और डिडक्शन आप वो भी लिख सकते हो, एनएससी या हाउसिंग लोन की रीपेमेंट, ट्यूशन फीस या एफडीआर, टैक्सेबल एफडीआर यहां लिख सकते हो, 80U वगैरह, एनपीएफ वगैरह, 80D, डीडीबी, जी, डबल डी लिख सकते हो गाइस। लिखने के बाद करो इसे हाइड, ओके। नेट टैक्सेबल इनकम आ गई आपकी 360,000। अब 360,000 के ऊपर कैसे टैक्स बना, 2.5 लाख तक जीरो है गाइस, 2.5 लाख के ऊपर कितना बना 1,10,000, उसका करा 5%, 5,500। क्या आपको कोई रिबेट मिलेगी 87A की, नहीं, क्योंकि 1819 फाइनेंशियल ईयर के लिए तो 3.5 लाख अगर आपकी इनकम होगी टोटल इनकम, मतलब ये अगर 3.5 लाख तक होगा तभी आपको रिबेट मिलेगी, और फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए मतलब असेसमेंट के 2021 के लिए ये लिमिट को बढ़ाकर क्या कर दिया 5 लाख, तब आपको रिबेट मिलेगी, बट अभी इस केस में आपको रिबेट मिलेगी नहीं, तो टैक्स कितना बना 5,500। अब सपोज करो आपका ये इनकम है 3,40,000, ठीक है, टैक्स कितना बना गाइस 4,500, रिबेट कितनी मिलेगी 2,500 तक, टैक्स आ गया आपका 2,000 आ गया, 4% सेस लग गया, ये अमाउंट आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं बी सी और ए का इंटरेस्ट, यहां पर इनकम लिखो गाइस 8 लाख, एग्जांपल ले रहा हूं गाइस, लिख दिया, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 8 लाख, टैक्स आ गया आपका 72,500, 2.5 लाख तक जीरो है, 2.5 लाख से 5 लाख, मतलब 2.5 लाख का 5% 12,500, फिर 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक 20%, तो टोटल कितना बना 3 लाख का 20% 60,000 प्लस 12,500 72,500, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ गया, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी 75,400। तो ड्यू डेट क्या है गाइस 31 अगस्त हो गई है, लिख दिया। तो पहला एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि आपकी एक्चुअल डेट भी यही है, आपने इसी डेट को जमा करवा दिया, तो हम देखेंगे क्या आपको 234A का इंटरेस्ट लग रहा है, बी का लग रहा है, सी का लग रहा है, तो आपको क्लिक करना है कैलकुलेट टैक्स पर, क्लिक किया, देखते हैं गाइस। अब आप देख सकते हो गाइस आपका 234A का इंटरेस्ट आ रहा है जीरो, क्यों, क्योंकि आपने टाइमली फाइल की है, बी और सी का इंटरेस्ट आ रहा है। अब गाइस इसको वेरीफाई करेंगे कि इसको प्रूव करेंगे क्या ये ठीक आया या नहीं आया, तो वो देखते हैं। आप अपना टैक्स का अमाउंट देख लो कितना है 75,400, ओके। अब हम देखते हैं 75,400, ठीक है, पहले कैलकुलेट करेंगे 234C, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की जाती है गाइस 15% की, टैक्स का 15% कर लिया, ओके, फिर करना होता है 45%, कर लिया, फिर करना होता है 75%, कर लिया, एट द एंड 100%, ठीक है। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने कोई भी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई, तो मैंने आपको जैसे बताया पहली 3 इंस्टॉलमेंट के लिए आपको 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, मतलब इसका 1% × 3, यहां पर भी 1% × 3, यहां पर भी 1% × 3, बट यहां पर सिर्फ 1% × 1, ठीक है, टोटल करो कितना आया 38
07 और यहां पर देखते हैं टूल में कितने है? 3807 ओके, 2 रुपए की माफी दे दो, ठीक निकल आया 234C। अब देखते हैं बी, बी देखते हैं गाइस, बी में क्या आया 234B में, 234B आपको क्या बोलता है, आपको 1% देना है। कब से स्टार्ट करना है? 1 अप्रैल से। क्या लिखा है? 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, ठीक है गाइस, 1 अप्रैल से। तो हमारा 1 अप्रैल से कितने मंथ बनते हैं, हम कब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 31 अगस्त को, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने गाइस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 75,400 का 1% इंटू 5 तो कितना आया 3770, कितना निकाला है 3770, बिल्कुल ठीक आया। आई होप आपको समझ में आए होंगे कंप्यूटेशन। अब हम देखते हैं, सपोज करो आपका टीडीएस का अमाउंट था कुछ 70,000, ठीक है। अब आप मुझे बताओ आपको कौन कौन सा इंटरेस्ट लगेगा, ए बी सी लगेगा इस? आपको इसमें ए भी नहीं लगेगा, बी भी नहीं लगेगा, सी भी नहीं लगेगा। क्यों? ए तो लगना नहीं था क्योंकि टाइमली फाइल कर रहे हो, बी और सी क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 75,400 माइनस 70,000 करोगे तो ये अमाउंट आएगा 5,5400, ये 10,000 से कम है तो आपकी लाइबिलिटी बनती नहीं। तो देखते हैं, कैलकुलेट पे क्लिक करो, देखते हैं एक बार, ये आपके आगे 000 क्योंकि आपके अमाउंट 10,000 से कम बनता है, ठीक है गाइस, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं कि आपने रिटर्न को लेट फाइल किया, सपोज करो आपने किया इसे फाइल 30 सितंबर को। अब हम देखने वाले हैं कि आपको कौन कौन सा इंटरेस्ट लगेगा, आप बताओ। इस केस में, हमारे एग्जांपल में, आपको सिर्फ ए का इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि आप लेट फाइल कर रहे हो, और ए के लिए कितना परसेंट लगेगा, 1% फॉर 1 मंथ लग जाएगा अगस्त के बाद, ड्यू डेट से कन्वर्ट करना है, ठीक है ना गाइस। मतलब 234 ए का कितना आया, अभी हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं, बीसी नहीं लगेगा क्योंकि वो 10,000 से कम है गाइस, ये आपके सामने आ गया 234 ए का 54, पी में 0 सी में 0 क्योंकि आपका 10,000 से कम है, 75,400 माइनस 70,000 मतलब 5400, 5400 बीसी नहीं लगेगा, और ए कैसे कैलकुलेट हो रहा है, 5400 का 1% 54 इंटू 1 मंथ क्योंकि 1 मंथ की डिले है, ये हो गया। अब सपोज करो आपने ये 70,000 टीडीएस नहीं है, सपोज करो, ठीक है, तो इस केस में आपका ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। तो एक बार देखते हैं, कंप्यूटर पे क्लिक करो, कैलकुलेट पे, तो ये आपके सामने आया गाइस, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी आ गया। ए का अमाउंट कैसे बदल गया, कैसे बदला, क्योंकि आपका टीडीएस का अमाउंट तो हट गया ना, अब आपका अमाउंट हो गया 75,400, इसका 1% तो 754 आया। ऐसे आप बी का कैलकुलेट करना ना सी का कैलकुलेट करना। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा, स्पेशली गाइस आपको एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, जिस वजह से मैंने आपको कैलकुलेटर बताया और उसको वेरीफाई करके दिखाया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है गाइस। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा गाइस डू द लाइक बटन, डू स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।